जब भी मैं घर से निकलता हूँ मेरा ध्यान अक्सर इन चेहरों पर जाता है। वो बूढ़े चाचा आस लगाए बैठे हैं कि उसकी टोकरी के 4-5 दर्जन केले आज किसी तरह बिक जाए। धनिया मिर्ची की अपनी छोटी सी जायदाद लिए वो बाबा इस सोच में डूबा है कहीं बिकने से पहले खराब ना हो जाए। ट्रैफिक सिग्नल के लाल होने पर आंख में आंसू छिपाती हुई वो बहन कोई उसकी छोटी सी माला खरीद ले। भाई साहब 10 रुपए का है, ले लो ना प्लीज। वो इडली वाले अन्ना, ब्रेड वाले भाई साहब, फल वाले अंकल, ये सब हमारी जिंदगी का कहीं ना कहीं हिस्सा बन चुके हैं। ये लोग ईमानदारी से काम करते हैं और बहुत मेहनत के बाद भी दिन का 50 रुपया तक नहीं कमा पाते। अपने परिवार के साथ इन्हें भूखे सोना पड़ता है। लॉकडाउन और बारिश में तो इनका धंधा जैसे खत्म ही हो चुका है। दोस्तों, क्या हम सब मिलकर इनके लिए कुछ कर सकते हैं? अपने आप से ये वादा कीजिए कि हम इन लोगों का एक दोस्त की तरह ख्याल रखेंगे, इन्हें नजरअंदाज नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे रोज किसी एक का दर्द कम कर सके। कभी कभी हमारी जरूरत नहीं पर उनकी जरूरत का ख्याल रखेंगे, उनकी थोड़ी सी आमदनी करवा देंगे। जब हम सब मिलकर ये जिम्मेदारी लेंगे तो शायद हमारे देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। जय हिंद।